हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैंने यह बेकरी स्टाइल दो फोंड का केक बनाया था। कल न्यू ईयर के लिए किसी ने बनवाया था और बटर स्कॉच फ्लेवर में है। यह डिजाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यह डिजाइन मैंने कैसे बनाई तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा लास्ट तक और देखिएगा यह टेस्टी सा और बेकरी स्टाइल केक कैसे बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। तो मैं इसकी आज आइसिंग बताऊंगी आपको, क्योंकि बटर स्कॉच फ्लेवर में है। पहले मैं काफ़ी बार जो बटर स्कॉच की रेसिपी है केक की, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो पहले और सबसे बड़े कस्टमर हैं वह यही बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का यह बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बहुत पसंद आया था। तो हमेशा वह 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड इससे कम तो बनवाते ही नहीं हैं। तो मैंने यह 2 पाउंड का बनाया था। तो मैंने केक के लिए प्रीमिक्स लिया था 300 ग्राम, उससे जो प्रीमिक्स बना था आधा किलो का बिल्कुल केक बन के तैयार हो गया था। तो आप 300 ग्राम प्रीमिक्स लीजिएगा, यानी कि 2 कप, और उसमें आप 2 चम्मच तेल डालिएगा और बटर स्कॉच फ्लेवर का एसेंस डालिएगा, और उससे आप केक बनाकर तैयार कर लीजिएगा। इसका स्पॉन्ज और इसकी आइसिंग के लिए आप देख लो, मैंने बोर्ड लिया, इस पर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, और अब इसके ऊपर हम पहली लेयर रखेंगे और इस पर पहले बटर स्कॉच सिरप से ही सोक करेंगे। एक पानी में हम थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस, सॉरी एसेंस नहीं, क्रश आता है मार्केट में, वह घोल लेंगे। शुगर सिरप से इसे सोक नहीं करेंगे, उससे क्या है फ्लेवर और अच्छा आता है। तो सोक करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम लगाई है और फिर से हमने बटर स्कॉच क्रश लगाया है, और यह आप देख रहे बटर स्कॉच क्रंच है। यह होम मेड है, मैंने कैसे बनाए हैं आप इसकी रेसिपी पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने बटर स्कॉच केक बनाया था उसमें इसका वीडियो और कैरेमल सॉस का भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको होममेड कैरेमल सॉस बनानी है, आज मैं मार्केट के ही बटर स्कॉच सॉस का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि बटर स्कॉच क्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक लेयर आपको बताई थी, उसके बाद अब डायरेक्ट मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। मैंने क्रम्ब कोट करके इसे फ्रीज में रख दिया था थोड़ा सेट होने के लिए। वैसे तो सर्दियों का सीजन है, सीजन में आप अगर डायरेक्ट आइसिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि क्रीम जो है बिल्कुल सेट रहती है सर्दियों में। तो अब इसकी हम फाइनल आइसिंग कर लेंगे फ्रेंड। और इस केक के लिए मैंने जो क्रीम ली है 1 कप प्लस 1/4 कप क्रीम ली है, क्योंकि 2 पाउंड का केक है, इतनी क्रीम तो इसमें लगी जाती है, क्योंकि अपन लेयरिंग करते हैं और फिर फाइनल आइसिंग है, ऊपर से डिजाइन बनाते हैं इसलिए। और जो क्रीम रहती है वेनिला फ्लेवर की रहती है, तो आपको बटर स्कॉच फ्लेवर उसमें एसेंस डालना पड़ेगा। बीट करते समय 1 से 1.5 टी स्पून एसेंस डाल लीजिएगा तो बटर स्कॉच का फ्लेवर आ जाएगा। और जो क्रीम है मैं ट्रोपोलाइट की यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी होती है, तो आप ट्रोपोलाइट की यूज़ कीजिएगा। और आप देख रहे हो पहले मैंने इसे पैलेट नाइफ से क्लीन किया, फिर अब इसे हम स्क्रैपर से क्लीन करेंगे। तो मैं स्क्रैपर की जगह इस तरह से कार्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को इससे क्लीन करना बहुत ही इजी लगता है। वह थोड़ा हार्ड रहता है स्क्रैपर, और जो कार्ड हैं थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है केक बहुत ही। और जब तक क्लीन अच्छे से ना हो जाए आप अच्छे से क्लीन करते रहिएगा। वैसे तो ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो ऊपर से डिजाइन बना रहे हैं अंदर से यह जो वाइट है दिखेगा नहीं, इसलिए। तो आप देख रहे हो क्लीन मैंने ज़्यादा नहीं किया है, और अब इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। और यह नोजल जो है नूर की 39 नंबर है, तो जिससे क्या है चटाई जैसा डिज़ाइन आता है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है फ्रेंड्स। आप एक बार इस नोजल को यूज़ करके देखिए, आपने देखा केक का डिज़ाइन जो है बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। तो आप देख रहे हो मैंने पहले लंबी लाइन खींची, फिर उसके ऊपर हम इस तरह से छोटी छोटी लाइन खींच देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इसके ऊपर हम जो हमने पहली वाली लाइन खींची है उसके बीच में आपको जो गैप दिख रहा है उसके बीच से हम दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स पहले मैंने सोचा कि इसके बीच में अगर वाइट वाइट कलर का अंदर का जो क्रीम है वह दिखेगा तो थोड़ी अच्छी लगेगी, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा यह वाइट कलर का भी ऊपर से दिखता हुआ। तो मैंने इसे लास्ट में ऊपर से और एडजस्ट कर दिया था। तो मैं आपको इसलिए यह बता दे रही हूँ कि आप एक बार में अंदर से बिल्कुल अच्छे से डिजाइन बना सकें, क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसे एडजस्ट किया, क्योंकि वाइट कलर नहीं दिखना चाहिए, जब भी जो वो डिजाइन है बहुत ही अच्छी दिखती है, बिल्कुल गफी हुई, जैसे अपन जो चटाई देखते हैं अपन लाते हैं तो कितनी सुंदर लगती है बिल्कुल गफी हुई, इसी तरह का आप यह डिजाइन बनाइएगा। और बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको
बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक ही दिन में मैंने दो केक बनाए थे, एक 1 पाउंड का भी और केक बनाया था, उसका वीडियो भी मैं इसके बाद जल्द ही शेयर करूंगी, तो वह भी आप देखिएगा। आपको कितनी खुशी होती है जब एक दिन में इस तरह से 3 से 4 पाउंड के केक बनाने को मिलते हैं, और जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है केक बनाने में, तो ऐसा लगता है कि रोज ही केक बनाया जाए। तो क्योंकि मेरे को अब केक बनाने में इतना इंटरेस्ट आने लगा है, इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि रोज़ इसी तरह क्यों ना केक बनाने का ऑर्डर मेरे पास आता जाए। बट क्या है, अभी स्टार्टिंग है तो डेली ऑर्डर नहीं आते हैं, और अपन घर के लिए कितना बनाएंगे, कितना खाएंगे, इसलिए मैं घर के लिए कम ही बनाती हूँ। मोस्टली जो केक है, मैं जो ऑर्डर आते हैं उसी पर बनाती हूँ, अन्यथा कम ही बनाती हूँ घर में। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ऊपर से मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब इस नीचे से जो साइड है, इसी नोजल से हम जैसे ऊपर डिजाइन बनाई थी, नीचे भी साइड से इसी तरह की डिजाइन बना देंगे। और मैंने जो साइड से बनाई है डिजाइन, स्टार्टिंग से ही मैंने उस तरह से बनाई है कि आपको दिख रहा है बिल्कुल व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है अंदर का, व्हाइट क्रीम। तो इसी तरह से अब मैं यह नीचे से बनाने के बाद साइड से ऊपर का जो व्हाइट व्हाइट क्रीम दिख रहा है उसे भी बिल्कुल कवर कर दूंगी। आप स्टार्टिंग से बिल्कुल कवर करके चलिएगा तो फिनिशिंग जो है और भी परफेक्ट आएगी। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि यह डिज़ाइन कैसा लग रहा है, और कोई कमी है तो वह भी बताएं, तो आगे से जो केक है मेरा और भी अच्छा बने। और जो डिज़ाइन है, कलर है, आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने यह केक बनवाया है उनकी कोई भी डिज़ाइन की कलर की डिमांड नहीं रहती है, बस उन्हें बटरस्कॉच फ्लेवर का कह देते हैं कि बना दीजिए। और जो डिज़ाइन है और कलर है, मैं अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ, मेरे को जैसी डिज़ाइन बनानी रहती है उस हिसाब से वह डिज़ाइन मैं बना देती हूँ। अगर इस तरह से कोई कह देता है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन रख दीजिएगा तो कितना अच्छा लगता है, उस पर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केक बन के बिल्कुल तैयार है, और आप देख रहे हो ऊपर से भी मैंने जो क्रीम दिख रही थी व्हाइट कलर की पूरी कवर कर दी है। अब मेरे पास सिल्वर कलर का डस्ट रखा था तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर का डस्ट कर दिया है। यह ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना तो आप स्किप कर सकते हो। वैसे आप देख रहे हो डस्ट करने के बाद यह केक और भी शाइनी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, तो आप जरूर कर सकते हो। और मेरे पास क्रीम कलर के यह ईटेबल बॉल्स रखे थे तो मैंने इसके ऊपर यह लगा दिए हैं, जिससे केक और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से डेकोरेशन जरूर कीजिएगा, और केक का फाइनल लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें और एक बार यह डिज़ाइन जरूर ट्राई करें, बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।